हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन ओडिशा। तो फ्रेंड्स, ए वीडियो रे मु आपन मान पे ने आछी जोटा कि ओडिया रो ओडिया जोटा आछी आपन मान करो सिलेबस रे 13 बिट आपन मान कर रहूची छंद छंद सेई ऊपर मु ए वीडियो टी ने आछी आपन कर। ए वीडियो देखले छंदटा पूरा क्लियर हे जइबो। तो छंद रे आपन कर सिलेबस रे अछि जो पांचोटी छंद सेई थ्रू ही क्वेश्चन आसीबो। गुजरी, नटवाणी, बंगलाश्री, दांडीवृत, चोखी एवं सेटा कौन से थ्रू केमती क्वेश्चन आसीबो मु ए वीडियो रे ने आसी। चलंतु देखिबा वीडियो टी। ता पूर्वरु जदि आपण माने हमर चैनल को सब्सक्राइब करना हती सब्सक्राइब करंतु एवं पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस कर दियंतु। चलंतु आरंभ करबा वीडियो टी। प्रथमे आमे जानिबा छंद कहा को कोंती। छंद हला पद्य बा कविता रचनार एक निर्दिष्ट नियम बा शैली रहिछि ताकु ही छंद कोंती। पद्य बा कविता रचनार गोटे निर्दिष्ट नियम को छंद कहा जाए। यह कविता को गतिशील कराए। गोटे गोटे निर्दिष्ट छंद रचित होइतिबारु प्राचीन पद्य बा कविता को छंद मध्ये कोंती। एटा भी गोटे शॉर्ट क्वेश्चन आसे। गोटे निर्दिष्ट छंद रचित होइतिबारु प्राचीन पद्य एवं कविता को छंद बोली कोंती। छंदटा दि प्रकार, गोटे मित्राक्षर छंद आ गोटे अमृताक्षर छंद। प्रथमे आमे चालंतु जानिबा आपणकर जहा जहा सिलेबस रे अछि। दांडीवृत, दांडीवृत, दांडीवृत छंद, दांडीवृत बा दांडी छंद आमे कहो कहिबा ना। एहा दुईटी पादरे गोटे पद हुए। प्रत्येक पादर अक्षर संख्या समान नुहे। ए कन्सेप्टटा मन रहो। दांडीवृत रे प्रत्येक पादर अक्षर संख्या समान नुहे। तेणु से जतिपात यार निर्दिष्ट भाव में कौटी हुए ना। जतिपात मीन्स कौन आम कौटि कौटि रहीकि बोलवा माने गोटे शब्द पर कौटी आम रहा टी आउटे उच्चारण करवा कहते जतिपात। जतिपात आमर गायक जेहेतु दांडीवृत रे अक्षर संख्या समान नुहे गायक स्वर लंबाई निज सुविधा अनुसार विश्राम तो आमर एटा भी क्वेश्चन आसे। दांडीवृत रे कौन पुराणा काव्य सब रचना होटा है सारला दास महाभारत, बलराम दास दांडी रामायण, चैतन्य दास विष्णुगर्भ पुराण ये सबू यही छंद रचना कराई। तापर तार उदाहरण देखंतु। उदाहरण गोटे सारला महाभारत गोटे उदाहरण देछि। एथु अनंतरे द्रोणे विद्या पुत्रंत हंकारी बाबू तुम्भे जाओ मृगया बन हेरी। देखंतु एटा प्रत्येक पदर अक्षर संख्या समान नुहे। प्रथम पदर आमर प्रथम पदर केतोटी अक्षर अछि देखंतु 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 प्रथमरे आमर टोटल 16 टी अक्षर अछि। सेमती द्वितीय केतोटी अक्षर अच्छे ना द्वितीय 14 टी अक्षर अच्छे तो दुईटा कर पदर अक्षर संख्या समान नुहे। तो आपण मैंने गोटे क्वेश्चन एमती आसे जे गोटे पद दे एटा कौ छंद रचना कराई। आप पदर अक्षर संख्या एमती गणीदे टोटाल केतोटी अक्षर रहा तो दुईटा एक पदर अक्षर संख्या जो असमान थोड़ा सेटा हम आमर दांडीवृत। सेमती सेटा हूँ सारला दास महाभारत, बलराम दास दांडी रामायण यही थ्रू ही आसी पद। तापर नेक्स्ट आसला भागवत बाणी बा गुजरी। एटा भी आपण सिलेबस रे अछि। भागवत बाणी आकु काहे के कहंती ना कवि जगन्नाथ दासंकर भागवत एही छंद रे रचना करा जायछि। एहा दुई पदरे गोटे पद होय। प्रति पदर अक्षर संख्या 9 एटा मन रखंतु। प्रति पदर अक्षर संख्या 9 जेहेतु आपण गोटे क्वेश्चन पडि जिवो एटा प्राणी रो भल मंद बाणी मरण काले ताहा जानी एटा पडके दैथिबो क्वेश्चन आसथिबो एटा कोउ छंद रे रचना करा जायछि। आपण सेठी कोन करबे ना अक्षर संख्याटा गणिबे। एठी केतोटी अक्षर अछि देखंतु 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9टी अछि। 9टा जेले आपण देखिथिबे फर्स्टटा 9टा अछि ता तळटा भी 9टा अछि। ताहेले एटा आखि मुजी मार देबे एटा भागवत बाणी बा गुजरी। एहाको नवाक्षरी वृत बा नवाक्षरी छंद बोली कहा जाए। अन्य नाम भी आसे। तापर यार जतिपात कौटी ना कौटि कौटि गायक विश्राम नहीं पार ना तृतीय पंचम एवं शेष अक्षर उपर जतिपात हुए। यहाँ आपण मान भागवत बाणी बा गुजरी सरला। तापर आसला नटवाणी बा विभास केदार। एटा भी आपण सिलेबस अच्छी। नटवाणी आम क्या कहती ना एथिरे दुईटी पादरे गोटे पद हुए। प्रति पादर अक्षर संख्या 12 प्रति पादर अक्षर संख्या 12 हो गले सेटा नटवाणी हो। पादर तृतीय षष्ठ नवम एवं शेष अक्षर उपर जतिपात हुए। अक्षर संख्या आपण गणीदे सेटा यदि 12 होटा हो नटवाणी। उत्कल कमला विलास दीर्घिका 3 3 6 3 9 3 12 बारटी होगा। मराल मालिनी नीलांबू चिलिका एटी भी 12 एथिरे 12टी रहिला एथिरे 12टी रहिला। आपण सेटा करदेबे जे नटवाणी बा विभास केदार ए छंदर नाम। तापरे चक्रगळी एटा आपणकर सिलेबस रे नाही चोखी एटा आपणकर सिलेबस रे अछि। चोखी हैला एहा चारि पादरे गोटिए पद हुए। प्रथम दुईटी पादरे 29 लेखा अक्षर साए। एटा टिके डिफिकल्ट देखंतु। प्रथम दुईटा पादरे 29 टी अक्षर, तृतीय पादरे 9 टी अक्षर एवं चतुर्थ पादरे 13 टी अक्षर थाए।
29 ପ୍ରଥମ ପାଦରେ, ତାପର ପାଦ 29, ତାପର ପାଦ 9, ତାପର ପାଦ 13। ଏଗୁଡ଼ାକ ଥିଲେ ଆପଣ କରିବେ ଏଇଟା ଚୋଖି ଛନ୍ଦ। ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟିର ଷଷ୍ଠ, ଅଷ୍ଟମ, ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ, ଷୋଡ଼ଶ, ଦ୍ୱାବିଂଶ ଏବଂ ଚତୁର୍ବିଂଶ ଏବଂ ଶେଷ ଅକ୍ଷର ଉପରେ ଆମର ଯତିପାତ ହୁଏ। ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସେଇଥିରୁ ଆପଣ ହିଁ ଜାଣିଦେବେ ଯତିପାତ ଏଇସବୁ ଇଏ ଉପରେ ହୁଏ। ତାପରେ ଆସିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ଚୋଖି ପରେ ଆସିଲା ବଙ୍ଗଳାଶ୍ରୀ। ବଙ୍ଗଳାଶ୍ରୀ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି ନା, ଏହି ରଚନାରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ହେଉଛି ଦୁଇ ପାଦ ବିଶିଷ୍ଟ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା 20। ଯେତେବେଳେ ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା 20 ହୋଇଯିବ, ଏଇଟା ହୋଇଯିବ ବଙ୍ଗଳାଶ୍ରୀ। ବଙ୍ଗଳାଶ୍ରୀର ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦ ଏବଂ ଷଷ୍ଠ, ଦ୍ୱାଦଶ, ଅଷ୍ଟାଦଶ ଏବଂ ଶେଷ ଅକ୍ଷର ଉପରେ ଯତିପାତ ହୁଏ। ଆମର ମୁଖ୍ୟତଃ ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା କେତେ ମନେ ରଖିଦେଲେ ଆପଣମାନେ ସେଇଟା କେଉଁ ଛନ୍ଦ ନିଜେ ନିଜେ ହିଁ ଗଣିକି, ଅକ୍ଷର ଗଣିକିରି ହିଁ କରିଦେବେ। ଏଇଟାର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଗୋଟେ ଅଛି, ମାଆ ମାଆ ବୋଲି କେତେ ମୁଁ ଖୋଜିଲି, ମାଆକୁ ପାଇଲି ନାହିଁ, ଭାଇ ଭାଇ ବୋଲି କେତେ ମୁଁ ଡାକିଲି, ନଦେଲେ ଉତ୍ତର କେହି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଗଣିଲେ ଆପଣଙ୍କର 20ଟି ହେବ, ଏଇଟା ବି 20ଟି। ତ ସେଥିଲାଗି ଏଇଟା ହେଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ବଙ୍ଗଳାଶ୍ରୀ ଛନ୍ଦ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ଛନ୍ଦ ସରିଗଲା। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଛନ୍ଦ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ତେବେ ଏଇଥିରୁ ଆପଣଙ୍କ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ଗୋଟେ ଦେଇଦେଇଥିବ ପଦ, ତ ସେଇଥିରୁ ଚାରିଟା ଅପସନ୍ ଥିବ, ତ ଏଇଟା କେଉଁ ଛନ୍ଦ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନେଇବାକୁ ହେବ, ଏଇଭଳି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବୁଝିଯାଇଥିବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।